टीवी पर एक मुखौटा पहनकर आप सभी को हंसाने वाले कॉमेडियंस असल में अंदर से आप ही की तरह बेहद नर्म और सोबर होते हैं। कुछ ऐसा ही है कपिल शर्मा का भी अंदाज। नमस्कार, मैं हूं लिपिका, आप देख रहे हैं फाइनल कट न्यूज। आज अपनी इस रिपोर्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कपिल शर्मा के निजी जीवन का एक सच। साल 2004 में कपिल शर्मा के पिता का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में निधन हो गया था। कपिल के पिता को कैंसर था। अपने पिता के चले जाने के बाद कपिल बेहद हताश हो गए थे और कपिल डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन जैसे तैसे कपिल ने खुद को संभाला और खुद को कॉमेडियन कपिल शर्मा बनाया। लेकिन कपिल की जिंदगी में आगे भी बहुत सी मुश्किलें आई। अपनी फिल्म फिरंगी के शूट के दौरान जब कपिल शर्मा एक सीन में बिजी थे, तब उनके को स्टार किशोर का सेट पर ही निधन हो गया, जिसका कपिल को भारी झटका लगा। कपिल ने उस सीन को वहीं रोककर किशोर की डेड बॉडी को खुद अमृतसर पहुंचाया। जी हां, किशोर की डेड बॉडी लेकर कपिल खुद अमृतसर गए, जिसके बाद कपिल ने किशोर के बच्चों का खर्च उठाने का फैसला किया और अब कपिल ही उनके बच्चों की फीस भरते हैं। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दूं कि कपिल शर्मा कैंसर पीड़ित लोगों की पूरी मदद करने की कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है कि कपिल कैंसर पीड़ित लोगों की आखिरी इच्छा हमेशा पूरी करते हैं, साथ ही साथ उन्हें आर्थिक मदद भी प्रदान कराते हैं। कपिल का घर पर नाम टोनी है। उनकी माँ उन्हें टोनी कहकर ही बुलाती है और कपिल को अपनी माँ से बेहद लगाव है। फाइनल कट न्यूज डेस्क। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।